देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम में यमुनोत्री गंगोत्री धाम यात्रा करके आज हम सफर करेंगे महाभारत पंच पांडव द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, पंच केदार में से एक केदार, देवाधिदेव महादेव के निवास स्थल, चार धाम में तृतीय प्रमुख धाम पाप विनाशक सर्व दुख विनाशक केदारनाथ धाम। गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम डिस्टेंस 355 किलोमीटर। गंगोत्री धाम से केदारनाथ सोनप्रयाग के लिए कोई शेयरिंग टैक्सी उपलब्ध नहीं है। आपको पर डे के हिसाब से 4500 रुपीस देकर 12 सीटर बोलेरो का रिजर्व करके केदारनाथ धाम सोनप्रयाग पहुंचना है। मेरे जैसे बजट ट्रैवलर के लिए गंगोत्री से केदारनाथ धाम के लिए कोई डायरेक्ट बस भी उपलब्ध नहीं है। जितने भी बसें चलते हैं वे हरिद्वार ऋषिकेश तक जाते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश बस में उत्तरकाशी या फिर चंबा में बस चेंज करके सोनप्रयाग जाना है। आप अगर हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हो, स्टेशन के बाहर नॉन गवर्नमेंट बस स्टैंड से गुप्तकाशी केदारनाथ पार्किंग सीतापुर या फिर सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा। केदारनाथ गौरीकुंड सोनप्रयाग के लिए फास्ट बस डिपार्चर टाइम मॉर्निंग 3 AM। आप चाहे तो ऑनलाइन रेड बस के थ्रू टिकट बुक कर सकते हो। आप चाहे तो पर डे के हिसाब से 1000 रुपीस दे के स्कूटी बाइक रेंट करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हो। चार धाम यात्रा डे 6। आज हम माँ गंगा निवास स्थल गंगोत्री धाम से चलेंगे देवाधिदेव महादेव निवास स्थल केदारनाथ धाम। एवरीडे मॉर्निंग 5 AM एंड 6 AM दो बसेस डिपार्चर होती है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। कल रात को हमने ये बस का टिकट बुक किया। आप एडवांस में ये बस का टिकट बुक करोगे नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगा। आज हम ये हरिद्वार बस में पहले चलेंगे गंगोत्री से 201 किलोमीटर दूर चंबा। सुबह के 6 बजे गंगोत्री धाम से बस खुलने का समय था, लेकिन हैवी ट्रैफिक जाम के वजह से आज हमारे बस 8 बजे खुला। गंगोत्री धाम से हरिद्वार टिकट प्राइस 700 रुपीस और गंगोत्री धाम से चंबा टिकट प्राइस पर पर्सन 400 रुपीस। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड है ये गंगोत्री धाम उत्तरकाशी धारासुबैन रोड NH 108। गंगोत्री से पहले भागीरथी नदी सड़क के बाईं ओर था, लेकिन अभी माँ भागीरथी गंगा सड़क के दाहिने ओर बह रही है। गंगोत्री से लंका ब्रिज धाराली हासिल होके हम पहुँचे 8000 फीट हाइट सुखी टॉप सुखी विलेज, लेकिन हैवी ट्रैफिक जाम के वजह से पुलिस सभी गाड़ियों को सुखी टॉप में रोक दिया। गंगोत्री से हम 8 बजे चले थे, अभी टाइम है 11:49। ओनली 34 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं और इतना ज्यादा जैम है, ट्रैफिक जैम है, गाड़ी धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चालू है। अभी पुलिस ने आके हम लोगों को बोला कि इधर हमें 1 घंटा तक रुकना होगा। सुखी टॉप के बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हम लोग खड़े थे। चारों साइड ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, पहाड़ों के बीच से बहती है माँ भागीरथी। एक घंटा नहीं अप्रोक्स 2 घंटा रुकने के बाद हम लोग आगे जाने लगे। अभी चार धाम यात्रा मई जून मंथ में हैवी ट्रैफिक जाम के वजह से एक धाम से दूसरा धाम जाने में 48 आवर 2 दिन का समय लग सकता है। चार धाम यात्रा में बस टैक्सी में ट्रैवल करते समय आप अपने साथ चिप्स बिस्किट ड्राई फ्रूट्स वाटर बॉटल अपने साथ में रख के ट्रैवल कीजिए। एक बार ट्रैफिक जैम लगेगा तो जैम खुलने में 2 से 3 घंटा 4 घंटा तक टाइम लग सकता है। गंगोत्री से चल के 98 किलोमीटर डिस्टेंस पे 4 PM हम पहुंचे उत्तरकाशी, लेकिन उत्तरकाशी में हमारे बस खराब हो गए, इसलिए आज रात को हमें फिर से उत्तरकाशी में स्टे करना है। नेक्स्ट डे सेम टिकट में हम जाएंगे चंबा। चारधाम यात्रा डे 4 हमने उत्तरकाशी के जो होटल में नाइट स्टे किए थे आज भी सेम रूम में 500 रुपीस दे के नाइट स्टे करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले 1.5 मिनट का कॉमर्शियल ब्रेक। फ्रेंड्स, हमारे डेली स्किन केयर रूटीन में हमारे पास एक सनस्क्रीन होना चाहिए। स्पेशली जो लोग रोज रोज धूप में बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑफिस कॉलेज जाते हैं, उनके पास तो सनस्क्रीन होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा एक सनस्क्रीन चाहिए जो स्किन को हैवी फील ना करे, स्किन को हाइड्रेट करे, एवरीडे यूज कर पाए, स्किन के लिए सेफ टॉक्सिन फ्री हो और हमारे स्किन को हेल्दी ग्रोइंग करे। सो फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर आए हैं मामाअर्थ न्यूली लॉन्च मामाअर्थ बीटरूट हाइड्राफिल सनस्क्रीन विद बीटरूट एंड हाइरालोनिक एसिड, ऑयल फ्री मेड से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूटेबल
सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। डेली स्किन केयर रूटीन में सन प्रोटेक्शन में नेचुरली पिंक ग्लो स्किन के लिए मामाअर्थ बीटरूट हाइड्रोफिल सनस्क्रीन डेली यूज कर सकते हो। आपको हर सुबह घर से बाहर निकलने से पहले इस सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेड विद द गुडनेस ऑफ बीटरूट गिव्स ए नेचुरल पिंक ग्लो एंड हाइलुरोनिक एसिड लॉक्स इन मॉइस्चर टू कीप स्किन हाइड्रेट। इस पे है SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन। मैं लास्ट 2 वीक यूज कर रहा हूँ। ये ऑयल फ्री है, क्विकली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, लाइट वेट फॉर्मूला दैट्स लीव्स नो व्हाइट कॉस्ट। इंडियन ब्रांड मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। एवरी मंथ मामाअर्थ 240 मिलियन टन प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। अब जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, आपके ऑर्डर के साथ वेबसाइट का लिंक होगा और एक ट्री प्लांट होगा। ऐसे करके मामाअर्थ 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करेगा। मामाअर्थ प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल। और अभी तो मामाअर्थ का प्रोडक्ट आप अपने घर के पास दुकान में जाके भी परचेस कर सकते हो। लेकिन आप अगर मामाअर्थ प्रोडक्ट मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से अगर परचेस करोगे और मेरा प्रोमो कोड RIDERS2024 यूज करोगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मामाअर्थ आपका बात सुनना चाहता है। आप मामाअर्थ का प्रोडक्ट यूज करो और कमेंट में आप अपने फीडबैक दो। इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मामाअर्थ ऑल टाइम अपने प्रोडक्ट रिसर्च करके अपग्रेड करते हैं। चारधाम यात्रा Day 7। उत्तरकाशी शहर से हम पहले जाएंगे उत्तरकाशी से 104 किलोमीटर दूर चंबा। उत्तरकाशी से सुबह 7 बजे बस खुलने का समय था। उत्तरकाशी चंबा ऋषिकेश होके ये बस हरिद्वार तक जाएगा। उत्तरकाशी टू हरिद्वार डिस्टेंस 186 किलोमीटर। मॉर्निंग 9:30 हम पहुँचे चंबा। चंबा बस स्टैंड से हमें केदारनाथ धाम सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट कोई भी गाड़ी नहीं मिला। हमें केदारनाथ धाम से 72 किलोमीटर पहले रुद्रप्रयाग के लिए डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी मिल गया। शेयरिंग टैक्सी में चार्जेस लगेगा पर पर्सन 500 रुपीज। सुबह के 10 बजे हम चंबा से निकले। चंबा टू रुद्रप्रयाग डिस्टेंस 122 किलोमीटर। रास्ते के बाई ओर आप देख सकते हो भागीरथी नदी के ऊपर तेहरी डैम। ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम। 2006 में ये डैम को बनाया गया था। डैम के ऊपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। भागीरथी नदी के ऊपर डैम क्रॉस करके नदी के ऑपोजिट साइड में हम आए। ये डैम से 1000 मेगावाट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड के साथ साथ UP, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चंबा से जेनवाली, बानकोला, मालेथा, कीर्तिनगर होके दोपहर के 12 बजे हम पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग रास्ते के बाईं ओर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत अलकनंदा नदी। अभी अलकनंदा नदी के साथ साथ हमें रुद्रप्रयाग तक जाना है। दोपहर के 1 बजे हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग टैक्सी स्टैंड से अभी हमें शेयरिंग टैक्सी में पहुंचना है केदारनाथ धाम से 28 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग। यहां से सोनप्रयाग के लिए अगर आपको डायरेक्ट गाड़ी ना मिले तो आपको यहां से जाना है गुप्तकाशी। फिर सोनप्रयाग से गुप्तकाशी के लिए आपको शेयरिंग गाड़ी मिल जाएगा। रुद्रप्रयाग टू सोनप्रयाग टिकट प्राइस पर पर्सन 350 रुपीज। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में आके मिलती है मंदाकिनी नदी। रास्ते के बाईं ओर मंदाकिनी नदी के साथ अब हम केदारनाथ धाम तक जाएंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है केदारनाथ धाम में। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच में पुलिस हमें 2-3 जगह पे चेकिंग के लिए रोका। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अगर आप आना चाहते हो तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करके ही आइए। रुद्रप्रयाग से तिलुवारा, अगस्तमणि, गुप्तकाशी, सीतापुर होके रात को 8:50 हम पहुंचे सीतापुर पार्किंग। पार्किंग से अब हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप चाहो तो नाइट स्टे कर सकते हो। इधर रूम चार्जेस शुरू होता है मिनिमम 1000 रुपीज से। अगर आपको रूम ना मिले तो आप 300 रुपीज दे के डॉर्मेटरी रूम में स्टे कर सकते हो। ये है सोनप्रयाग चेक पोस्ट। दिन के टाइम इधर रजिस्ट्रेशन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद ही आप केदारनाथ धाम के लिए आगे जा सकते हो। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन किए सोनप्रयाग तक पहुंचते हो इस सोनप्रयाग चेक पोस्ट में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन मई जून मंथ में अगर ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं तो सोनप्रयाग में न्यू रजिस्ट्रेशन भी बंद किया जाता है।
अपने साथ आए। लेकिन अभी रात के समय चेकिंग नहीं हो रहा, इसलिए आज रात को ही हम सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड में नाइट स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गौरीकुंड से फूड ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड में सुबह से शाम तक 24 आवर भंडारा चालू रहता है। भंडारा में राजमा राइस के साथ खीर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सोनप्रयाग में महादेव के प्रसाद भोजन करके शेयरिंग कार में पर पर्सन 40 रुपए दे के रात को 11 बजे पहुँचे गौरीकुंड। आप रात के टाइम गौरीकुंड आ जाओ। दिन के समय सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए आपका 2 से 3 घंटा टाइम लग सकता है। रात के टाइम इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, आप आराम से पहुँचोगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में नाइट स्टे करने के लिए आपको कई सारे होटल रूम डॉर्मेटोरी मिल जाएगा। अगर गौरीकुंड में रूम फुल हो जाए तो पुलिस सोनप्रयाग में यात्रियों को रोक देता है। हम गौरीकुंड में 600 रुपये दे के डॉर्मेटोरी रूम बुक किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गौरीकुंड से 18 किलोमीटर फूट ट्रेक करके पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव के निवास स्थल केदारनाथ धाम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग। हर हर महादेव।